आज ऐतिहासिक जीत किसानों की होगी और ये उनको समर्पित है जो 670 किसान जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इस आंदोलन में और देश के करोड़ों किसानों को जो भावनात्मक या शारीरिक रूप से इस आंदोलन से जुड़े। हमारी मांग है कि जब सत्र शुरू हो आज तो सदन एक स्वर में श्रद्धांजलि दे, शोक प्रस्ताव आए उन 670 किसानों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, और साथ में सरकार पहले माफ़ी मांगे इन परिवारों से। अगर जिद ना करती सरकार तो आज इनके चिराग नहीं बुझते। उसके बाद सदन में ये जो निरस्त का रिपील एक्ट है इस पर चर्चा होने के साथ साथ सरकार जो बाकी मांगे हैं उन मांगों पे भी सरकार उत्तर दे। एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाने जाने की मांग, किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी की मांग, और इन परिवारों को जिनने अपना कोई किसी को खोया इस आंदोलन में उनको आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार देने की मांग, इन मांगों के प्रति भी सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे आज की चर्चा में। तो आपको लगता है बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि तीन प्रमुख पार्टी एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी अभी की जो मीटिंग अपोजिशन की थी उसमें शामिल नहीं हुई, तो देखिए ये मैं मानता हूँ कि किसान के मुद्दे को लेकर समूचा देश और सारा विपक्ष एक है। राकेश टिकैत ने जो कहा अगर सरकार नहीं मानी एमएसपी पर तो 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है, किसान तैयार है, 26 जनवरी दूर नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ जो एमएसपी की मांग है वो कोई नई नहीं है, वो बहुत पुरानी मांग है, और इस मांग पर सरकार किस प्रकार से एमएसपी को प्रणाली को व्यापक करे, कानूनी अमली जमा पहनाए, एमएसपी गारंटी का कानून किस रूप में बने, उसके लिए सरकार को सारे किसान संगठनों को बुलाना चाहिए, पहले बुलाए, बातचीत करके कानूनी मसौदा तैयार करे और फिर संसद के लाए। पहले जैसे सरकार ने इस बार किया कि 3 बिल पहले ऑर्डिनेंस ले आई, बाद में किसान संगठनों से चर्चा कर रहे, वो नहीं, पहले किसान संगठनों से चर्चा की जाए और इस पे कानूनी एमएसपी पे कानूनी गारंटी का कोई ना कोई कानूनी मसौदा बनाया जाए।